वेल हेलो दोस्तों, मैं किशन सारी वन आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मेरा जो काम है वो है कार्ड मारने का। तो मैं कुछ दूसरा मतलब साधन लेकर साइकिल से ही निकल गया और साइकिल बेस्ट है, मतलब आराम से धीरे धीरे करके मारते हुए निकल जाऊँगा। मतलब आधे गाँव को आज निपटाना है मतलब कार्ड मारना है, और सेकेंड दिन कल का देखेंगे किसी दूसरे जगह का। तो बाकी साइकिल से जा रहे हैं और भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करता है साइकिल से जाते हैं तो। क्या होता है कि किसी के यहाँ कुत्ता वगैरह होता है तो कुत्ता भी दौड़ाने लग जाता है, तो वो सिचुएशन कुछ अलग ही हो जाता है। मज़ा आ रहा है लेकिन कुल मिला के। तो इधर के रास्ते कुछ ऐसे हैं आप देख सकते हैं, और साइकिल चलाया जा रहा है, मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट घर किनका है, लेकिन मेरे को तो ऐसा है कि गाँव का मतलब 50-60% लोगों का नाम ही नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं कार्ड मारने के लिए निकल गया हूँ क्योंकि नाम पूछ लो और लिख लो ऐसा सिचुएशन समझ कर। बाकी इन लोग का देखो, इन लोग के कुछ अलग ही चलते रहते हैं, मतलब जिधर जाओ उधर पे दिखाई दे ही रहे हैं। भगवान जाने क्या करेंगे लोग, शिकार करने निकले क्या भाई। आज है दूसरा दिन, और दूसरा दिन पे ऐसा हुआ कि कल मैं गया था साइकिल से कार्ड मारने के लिए, तो कार्ड मारते मारते ऐसा हुआ कि मेरा साइकिल जो है वो प्रॉब्लम देने लग गया और मैं चले गया घर, मतलब आधा अधूरा ही मार पाया। उसके बाद मैं सोचा कि मैं बाइक से जाया तो बाइक में आधा लीटर पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद क्या हुआ कि इसका जो एवरेज है ना भाई बहुत कम दे रहा है और ऑयल भी ख़राब हो चुका था, तो मैं सोचा एक बार दिखा लिया जाए। और अभी आया था कुलबीरा आने के बाद पता चला कि भाई तो दुकान खोला ही नहीं है, तो श्याम गैरेज में ही रुका हूँ। अभी वेट करते हैं, 10-15 मिनट के बाद भाई आ जाएगा, उसके बाद सर्विसिंग करवाते हैं। और हाल ही में यार बहुत ज़्यादा काम है, मतलब बहुत आती टाइप से काम पड़ गया है, तो जिस कारण से मेरे को जाना पड़ता है ऐसे ही नॉर्मली काम करवाना पड़ता है। और जैसे अभी चल रहा है कि शादी का टाइम चल रहा है मेरे यहाँ का, मतलब हफ्ते भर के बाद शादी स्टार्ट है, तो जो लकड़ी है वो भी लाना है, गैस है वो भी लाना है, और बहुत सारे जो खाने वाला सामान है वो भी चीज़ लाना है, मतलब राशन का सामान बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है, इस कारण से हम लोग को वो भी चीज़ लाना पड़ेगा, तो उसी के लिए देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है गाड़ी, तो ये मेरा गाड़ी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है अभी, मतलब ऐसा है कि एवरेज ना बहुत ही कम दे रहा है यार, मज़े नहीं आता। क्योंकि यार 65 रुपये का आधा लीटर मिलता है गाँव में लोकल में, और वहाँ जाओ तो 113 रुपये, मतलब ये समझ लो कि डिस्टेंस कवर करने में उतना लग ही जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि उन्हें गाँव में ही डलवा लें, तो गाँव का थोड़ा लोकल तेल रहता है, मेरे को लगता है कुछ डाउट वगैरह होगा, पर ठीक है अपन लोग तो डलवाते ही हैं तेल वगैरह वहीं से ही, गाँव से ही डलवा लेते हैं, क्योंकि टंकी जाना बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। मे बी अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, पेंडर की तरफ जाते हैं, गोरेला की तरफ जाते हैं, अमरवाई की तरफ जाते हैं, तो 200-300 रुपये के डलवा लेते हैं। तो इस बार कैसा होगा कि ऐसा करेंगे कि मतलब जैसे काम वगैरह होगा ना तो हम लोग पहले ही डलवा लेंगे, तो उस टाइम का टाइम कुछ अलग ही रहेगा, बाकी बढ़िया है। और भाई का वेट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं अपने गाड़ी को, ठीक है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। अच्छा हुआ कि टाइम से पहले अपन लोग सर्विसिंग करवा रहे हैं भाई, पूरा जल ही गया है, मतलब इसलिए तो एवरेज भी नहीं दे रहा साइंस शॉट। बाकी ठीक है, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्लग का ये दिक्कत कर रहा है, और इसको यहाँ से निकाला तो टूटे ही कि क्या हुआ भगवान जाने, इसको भी दिखवाते हैं। भाई मेरा जो गाड़ी था वो बनकर तैयार हो गया, मतलब ऐसा था कि सर्विसिंग वगैरह भी करवाना था तो वो भी चीज़ हो गया। और भैया कहाँ कर रहे हो, हो गया भाई मेरा जो गाड़ी था वो सर्विसिंग हो गया, अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। और ये जो रास्ते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, आप तो देख ही सकते हैं। तो भाई अभी हम हैं जंगल में, और जंगल में हम लोग ढूंढ रहे हैं लकड़ी वगैरह, तो लकड़ी वगैरह तो ढूंढते हैं। और भाई क्या होता है कि हम लोग के मतलब गांव से लगा हुआ है, मतलब जंगल से हम लोग काम चलाते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह, जलाऊ लकड़ी वगैरह हो गया और कुछ भी चीज़ हो गया, हम लोग जंगल से ही लाते हैं। तो लेने के लिए आए हैं अभी हम लोग जंगल में, तो उधर का देखेंगे सीन, बाकी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इधर के। और हम लोग भटक रहे हैं अभी जंगल में, तो जंगल में ऐसा होता है कि लकड़ी की कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे जो लकड़ी रहते हैं वही चीज़ हम लोग उठा के लेके जाते हैं। तो देख रहे हैं अभी कि नज़दीक में तो मिलता नहीं है, जंगल के अंदर ही जाना पड़ता है, मतलब और लोग आए हैं तो वो तो पहले तरफ हैं, ऐसे टाइप से लग रहा है। तो देखते हैं उन्हीं लोग के तरफ चलते हैं यार, इधर पे तो लकड़ी का नाम ही निशान नहीं, मतलब पूरा जंगल में देखोगे आप तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए
मतलब लकड़ी नहीं है, वैसा लकड़ी नहीं है, जलाऊ लकड़ी जो रहता है, तो जैसा होता है कि सूखी लकड़ी वगैरह गिरा रहता है ना, तो वही चीज़ हम लोग उठा के लेके जाते हैं ऐसे, मतलब जो नए पेड़ रहते हैं उस चीज़ को हम लोग नुकसान वगैरह नहीं करते हैं, तो बाकी सबसे बढ़िया है। चलो देखते हैं भाई, जो बाहर का जो मेहनत करते हैं ना, मतलब जो बाहर जाकर कितना ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं, जैसे कुछ सामान वगैरह ढोना, तो भाई उसका जो मेहनत है ना, वो मेरे को आज पता चल रहा है कि बंदे कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद दो पैसे कमा पाते हैं। पूरा थक गया और देख रहा हूँ मेरे कंधे को कैसे तरीके से गंदा हो गया, क्योंकि यार ऐसा है ना कि बड़ा बड़ा जो लकड़ी का डूटा था वो चीज़ हम लोग अभी काटे और उसको लेकर आए हैं, और बाइक लेने के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ पे रुकेंगे, वहीं पास से लदाएंगे, फिर सीधे चलूँगा मैं घर, उसके बाद फिर से आना है। मतलब ये जो ट्रिप है 2-3-4 बार कर लेते हैं तो हो सकता है जो लकड़ी की समस्या है वो चीज़ क्लियर हो जाए। बाकी मेहनत बहुत लगता है भाई, दिमाग ख़राब हो गया, मेरा पैर भी कट गया है, ये देख रहे हो पैर भी कट गया है भाई। ओह तुरंत का तुरंत ब्लड आ गया, सिट तुरंत का तुरंत भाई। ओ यार, अरे मेहनत का काम है भाई, मेहनत का काम है, खून तो निकलना ज़रूरी है। और आज जो है एक्चुअल पता चलने वाला है कि क्या चीज़ होने वाला है आज। बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलिए चलते हैं वहीं पे। और यार देख रहे कट गया, शिट शिट मैन, हो ठीक है, बाकी सब बढ़िया, चलते हैं। तो भाई ये डूठा है, मतलब डूठा मतलब लकड़ी, तो मतलब बहुत मोटा मोटा लकड़ी रहा होगा, तो पतला पतला को लेकर चले गए हों जो लेकर जो मतलब लेकर गए होंगे वो, और कुछ इस तरह का है। अंगूठा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी से लदाते हैं फिर निकलते हैं ऐसे कच्ची वाले रास्ते से, मतलब पता नहीं चढ़ पाता है नहीं चढ़ पाता, कोशिश ज़रूर करेंगे। हो ना इसको यहाँ जगह मिला, ना इधर जगह मिला, ना यहाँ कुछ मिला, ये घुस के सोया है यहाँ पे। ए छोटू, ए ए इधर देख, इधर जेरी, ए ठीक, सो जा सो जा सो जा। और आज मैं गया था जंगल में और जंगल से लकड़ी लाया है, तो दो बार से लाया है भाई, और क्या बताऊँ, यहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, और पैर में लग भी गया तो वो तो चोट कुछ अलग ही है, तो आपको पता ही होगा। बाकी सब बढ़िया है, और आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद और भी बहुत सारे काम है। शाम टाइम हम लोग जाने वाले हैं शादी में, और छोटी के साथ जाएंगे, तो वहाँ भी जाकर इंजॉय करेंगे, ठीक है, आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाई शादी में अभी अपन लोग गए थे कुदरी, और वहाँ पे मतलब मस्ती वगैरह हुई, थोड़ी बहुत मस्ती हुई, और वहाँ पे मिल गए थे कुटमी वाले कुछ बहन लोग, तो उन लोग से थोड़ी बहुत बातें वगैरह हुई, और हम लोग ले गया कभी घूमे, तो उस टाइम तो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और खाते टाइम का कुछ फोटोग्राफ वगैरह लिया हूँ, तो आप ये देखिए, और बाकी सब तो बढ़िया रहा और मज़ा भी आया। तो आज का जो दिन रहा बहुत ही अच्छा तरीके से गया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और थक भी गए, और शादी भी इंजॉय किए, तो ठीक है, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपको पसंद जरूर आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।